हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेलों के समांतर क्रम संयोजन पर। लास्ट लेक्चर में हमने श्रेणी क्रम पर डिस्कस की थी, आज हम समांतर क्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास दो सेल हैं जिनका EMF E1 है और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो R1 है। और जो दूसरा सेल है इसका जो EMF है, मान लेते हैं E2 है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, दूसरा सेल का जो EMF E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसका कनेक्शन कर देते हैं बाह्य सर्किट के साथ में, जिसका प्रतिरोध कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देता है। ये हमारे पास फैक्टर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल सा फंडा है, करंट इधर जाएगा। इससे जो करंट फ्लो हो रहा है I1, इससे जो करंट फ्लो होगा I2, दोनों मिल जाएंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल है। तो जो करंट बना है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो हमें पता है EMF टर्मिनल वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो मैं लिख देता हूं EMF इज इक्वल टू V प्लस IR। यह क्या है, टर्मिनल वोल्टेज या EMF, ये आंतरिक प्रतिरोध। अब मैं यदि इस पे डिस्कस करूं, या पहले मैं फॉर्मूला बना देता हूं, I इज इक्वल टू EMF माइनस टर्मिनल वोल्टेज अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, इस सेल की बात करें, करंट कितना फ्लो रहा है बच्चों, I1, EMF कितना है बोलो, IE1, टर्मिनल वोल्टेज, इसका जो EMF होता है आपको पता होगा समांतर क्रम में जो विभांतर होता है वो क्या होता है, सेम। इसका विभांतर जितना होगा टर्मिनल वोल्टेज, उतनी ही टर्मिनल वोल्टेज इसकी होगी। क्यों, क्योंकि हम समांतर क्रम की बात कर रहे हैं, प्रतिरोध में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं VR1 इक्वेशन नंबर 2। उसी तरह इस सेल की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 व इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, I इज इक्वल टू R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू देखो, I1 की वैल्यू क्या है, EMF माइनस V अपॉन R, ठीक है बच्चों, प्लस E2 माइनस V अपॉन R2, सिंपल सा फंडा है। अब मैं इनको अलग अलग कर देता हूं, अलग अलग कर देते हैं। ओके ठीक है, ये R2 इनके साथ, ये इनके साथ। अब मैं EMF को, जो ये EMF है, ये इसको एक साथ लिखूंगा, और जो टर्मिनल वोल्टेज है इनको एक साथ, I इज इक्वल टू, चलो इनको एक साथ लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं E1 R1 प्लस E2 R2। ओके, माइनस का साइन है कॉमन, VR1 प्लस VR, V कॉमन है, बाहर ले सकते, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R2, ध्यान से बच्चों, R1 R2, कोई डाउट, V कॉमन, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके,
और कहा मेरे को टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू चाहिए, तो मैं वी का फॉर्मूला ड्राइव करूं। चलो वी का फॉर्मूला बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, पहले मैं वी को इधर ले आता हूं आराम से, वी आर वन प्लस आर टू, आर वन आर टू, इसको इधर ले आए, आई उधर जाएगा, भेज देते हैं आर वन, ये क्या हो गया, ठीक है ये। अब हम क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में उल्टा हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं क्या होता है इसके साथ, ए वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन आर टू, ब्रैकेट क्लोज, ये आएगा ऐसे हो जाएगा, क्या है ये आर वन आर टू, ऊपर क्या है आर वन प्लस आर टू हो गया। अब आई के साथ भी तो होगा ना मल्टीप्लाई, माइनस आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ठीक है। चलो ये देखो मल्टीप्लाई डिवाइड है कैंसिल, अब कोई कैंसिल हो ही नहीं रहा, चलो भाई आराम से साफ साफ लिख देते हैं, ई एम एफ आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू माइनस, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इस टर्म को यहां लिखूंगा माइनस आई आर वन आर टू आर वन प्लस आर, ये बना वी ई माइनस आई आर, कैसे। चलो यहां से देखो, यहां से मैं वी का फॉर्मूला बनाऊंगा, कैसे बनेगा, वी इज इक्वल टू ई एफ माइनस आई, इक्वलेंट की बात करें तो ये ई एम एफ इक्वलेंट हो जाएगा, ये जो अपने पास रेजिस्टेंस है इक्वलेंट हो जाएगा, जो टर्मिनल वोल्टेज है ये तो दोनों के लिए सेम है ही है, चलो इसको नहीं करेंगे। कंपेरिजन करते हैं इन दोनों इक्वेशन का, तो ई इक्वलेंट की जगह क्या आ रहा है बच्चों, जल्दी से देखो ई वन आर टू प्लस ई टू आर वन अपॉन आर वन प्लस आर टू, ठीक है, ये क्या है E equivalent की जगह आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, R equivalent की जगह क्या आ रहा है, R equivalent की जगह आ रहा है R eq is equal to, देखो यहां से माइनस तो है ही है, आई भी है, R equivalent की जगह R1 R2 upon R1 plus R2, ये EMF equivalent भी फाइंड कर लिया, रेजिस्टेंस equivalent भी फाइंड कर लिया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में डिस्कस करेंगे, थैंक यू।